ओके सो हेलो एवरीवन आज हम बात करने वाले हैं एक और स्टॉक के बारे में और इसमें एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग कंसोलिडेशन अभी दिख रहा है एंड ब्रेकआउट होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं अभी बढ़ चुकी है तो सबके बारे में बात करेंगे उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को बेलाइकन प्रेस करके डेफिनेटली ऑल पे सेट कर लेना इसके साथ एक और चैनल है हमारा जहाँ पे लेटेस्ट स्टॉक आइडियाज भी आते हैं स्टॉक अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं एंड साथ साथ अपडेट्स भी आते हैं तो इसको भी ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लेना बात करते हैं स्टॉक के बारे में एमओ आई एल स्टॉक का नाम है आप यहाँ पे नाम देख सकते हो ठीक है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो रहा था ठीक है कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट भी आया था था लेकिन क्योंकि मार्केट पे काफी हो गया था, बीच में आपको पता होगा इसलिए यहाँ पे जो है वॉलीटिलिटी हमें देखने मिली एंड यहाँ पे बड़े बड़े रेड कैंडल्स भी बने थोड़े से ग्रीन कैंडल्स उसके बाद अब बना स्टार्ट हो चुके हैं विथ अ वेरी हैवी वॉल्यूम आप देख सकते हो वॉल्यूम अगर आप देखोगे आज का तो बाकी कैंडल के वॉल्यूम से ये काफी ज्यादा है आप देख सकते हो ये देख सकते हो वॉल्यूम्स से लगातार डिक्रीज हो रहे थे एंड जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ पे आने वाला था यहाँ पे वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो गए बहुत क्लियर uh, ब्रेकआउट तो यहाँ पे नहीं है एक कंफ्यूजिंग टाइप का है और मैं इसे ब्रेकआउट भी नहीं कहूँगा क्योंकि हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है तो ओवरऑल uh, यहाँ पे जो है एक अच्छा मोमेंटम हमें आता हुआ आगे दिख सकता है इसी वजह से और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी के बारे में तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है एज्यूम किया है इस क्लोजिंग को एज़ एंट्री तो अगर ये एंट्री होती है तो एसएल मेरा रहेगा लगभग थ्री हंड्रेड नाइन के आसपास यहाँ पे ओके सो थ्री हंड्रेड नाइन के आसपास हमारा एसल रहेगा क्यों थ्री हंड्रेड नाइन क्योंकि ये जो स्विंग है इस स्विंग लो के नीचे मैंने जो है एसल को रखा हुआ है अब आप पूछोगे यार इस स्विंग लो के थोड़ा सा ही नीचे तो यहाँ पे एक और स्विंग था इसके नीचे रख देते यहाँ पे थोड़ा नीचे ही तो एक और यहाँ पे फिफ्टी डेज का मूविंग एवरेज था इसके नीचे रख देते लेकिन यहाँ पे जो एसल का परसेंटेज है दट इज नाइन पॉइंट टू नाइन परसेंट मतलब लगभग लग नाइन परसेंट का एसल है ऑब्वियसली ज्यादा बड़ा एसल है और आ, इसको अगर मैं और नीचे ले जाऊं तो ये और बड़ा एसएल हो जाएगा जिसको आ, इतना नीचे ले जाके कुछ फ़ायदा भी नहीं है तो इसी वजह से मैंने जो एसएल को यहाँ पे रखा हुआ है बाकी अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा और नीचे भी कर सकते हो अराउंड इस जगह पे भी ला सकते हो ये भी एक काफ़ी अच्छा असल होगा लेकिन अगर आप इस जगह पर लाओगे तो असल काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं ला रहा हूँ ओके तो एक सवाल ये भी है कि यार इस कैंडल के नीचे हम क्यों नहीं असल रख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कैंडल कितने का है देखो फोर का मैंने आपको बताया था फाइव से ज़्यादा अगर कैंडल का जो हाइट है वो फाइव परसेंट से ज्यादा है तो यहाँ पे आप कैंडल के लो के नीचे ऐसा लगा सकते हो वैसे आप नहीं लगा सकते तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया ठीक है आपको समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया ओके okay. सो so यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए क्योंकि मैंने जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पे इसको मार्क किया था ओके okay. अब यहाँ पे हम बात करते हैं टारगेट्स के बारे में फर्स्ट टारगेट इज फोर क्योंकि ब्रेकआउट के बाद एक बहुत अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है इसीलिए मैंने जो है फर्स्ट टारगेट को ही थोड़ा दूर रखा हुआ है सेकंड टारगेट इज फोर एंड थर्ड टारगेट इज फोर उसके बाद मैंने जो है आसपास ही यहाँ पे रखा हुआ है सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट टारगेट में कितना परसेंट क्या बुक होने वाला है ये सब चीज़ें अगर आपको बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही है उसको प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना ओके तो यहाँ पर हम फर्स्ट टारगेट जो जो है वो हम फिफ्टी परसेंट टू सिक्सटी परसेंट यहाँ जो है फ़र्स्ट टारगेट में हम बुक करने वाले हैं फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट सेकेंड टारगेट अचीव होने के बाद लगभग मैं सेवेंटी परसेंट सेवेंटी टू एटी परसेंट बुक कर लूँगा एंड लास्ट इस टारगेट पे मैं नाइन्टी परसेंट से भी ज़्यादा नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट तक मैं बुक कर लूँगा उसके बाद जो पाँच दस परसेंट बचेंगे मैं उसे ट्रेल करूँगा उससे मैं ट्रेल करूंगा और अगर मैं बात करूँ स्टॉप लॉस ट्रेल करने का तो जैसे ही फर्स्ट टारगेट हिट होगा मैं स्टॉप लॉस को एंट्री पे लगा दूंगा सेकंड टारगेट हिट होने के बाद स्विंग रिसेंट स्विंग लो को मैं लगा दूंगा स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो मतलब यहाँ पे मान लो स्टॉक इस तरह से ऊपर गया ठीक है एंड टारगेट हिट किया रिसेंट स्विंग लो ये हुआ ठीक है तो यहाँ पर मैंने ऐसा लगा दिया इस तरह से एंड थर्ड टारगेट हिट होने के बाद मैं कैंडल टू कैंडल ट्रेल करूंगा मतलब हर कैंडल के लो को पकड़ूंगा एंड जैसे जैसे कैंडल्स ऊपर जाएंगे मैं लो को भी पकड़ते पकड़ते मैं ऐसल को ट्रेल करूंगा एक्जाम्पल के लिए मान तो यहाँ पे मैंने एसल लगाया नेक्स्ट एसल यहाँ लग गया फिर एसल यहाँ लगा फिर एसल यहाँ लगा फिर यहाँ फिर यहाँ इस तरह से मैं ट्रेल करूंगा एंड यहाँ पे देखो मेरा एसल हिट हो गया तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊँगा इससे क्या हुआ ये जो गिरावट हुई इससे मैं बच गया और मेरा थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा लॉस हुआ लेकिन मैं अच्छे कहा प्रॉफिट को मैंने ग्रैप कर लिया इतने प्रॉफिट को तो ये आ, कब फॉलो होगा जब यहाँ पे थर्ड टारगेट हमारा आएगा उसके बाद तो ये पूरा मेरा जो एक तरह का प्लान है आप अपने हिसाब से प्लान करना मैं किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ कोई क्वालिटी रिकमेंडेशन नहीं है मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट बस यहाँ पे मैं शेयर कर रहा था अब आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में अगले चैनल पर तो वहाँ पर आप जाओ वहाँ सब्सक्राइब करके कर कर रखो आ, किसी और वीडियो में मिलते हैं बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग